Hello everyone, I'm Prachi Singh and I welcome all of you to today's session, Coffee with CEO. And today's session is going to be very fun because we are present with you, ma'am, the founder and director of Physicure, Dr. Anubha Singhi, ma'am. I would like to welcome you. Thank you so much, Prachi. Thank you. Okay, so ma'am, tell me about yourself and how would you started your journey? Okay, basically, मैं फिजिक्योर की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और उसके पहले मैं फिजियो टाइम्स मैगज़ीन की एडिटर हूँ जो कि इंडिया की पहली और अकेली फिजियोथेरेपी मैगज़ीन है. फिजिक्योर स्टार्ट हुआ है विद एन एम टू हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी, है ना. फिजियोथेरेपी करीबन 200 साल पुरानी एक फील्ड है ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम भौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं, लेकिन ये इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्कैटर्ड थी काफ़ी हद तक. पेशेंट्स को नहीं कंफर्म होता था कि फिजियोथेरेपी में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की वजह से हमने फिजिक्योर को स्टैब्लिश करने का सोचा. फिजिक्योर से पहले मैंने करीबन 12-13 साल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है. कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स लाइक पीपल्स यूनिवर्सिटी, आयुष्मान कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है. स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज बीन माई स्ट्रेंथ. एंड देन क्लिनिकली मैंने एंटर किया विद बंसल हॉस्पिटल एंड आई वर्क फॉर 6 years देयर. लर्नड कि पेशेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्पेशली वी टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स एंड फील्ड्स. एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव अ मोर सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ दिस थिंग. और डे बाई डे काफ़ी चैलेंजेस होते होंगे आपके लिए कि कैसे पेशेंट्स को हैंडल करें और क्या उनके लिए बेस्ट हो सके, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, अगर चैलेंजेस की बात करूँ तो उसके बिना तो मज़ा है ही नहीं, है ना. सो चैलेंजेस ये होते हैं कि वेन यू स्टार्ट अ जर्नी, खास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हम कुछ ऐसी स्टार्टअप्स पे आते हैं तो हमें हर कुछ स्क्रैच से बनाना होता है. सो ऑलवेज बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग आई वुड से अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच. तो स्क्रैच से वहाँ तक पहुँचना एवरी डे इज़ अ चैलेंज. तो चैलेंजेस आते हैं पर हमेशा सोल्यूशंस भी होते हैं चीज़ों के. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आई टेल यू, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो डेली आ नहीं सकते. जैसे फिजियोथेरेपी में नॉर्मली हमें कुछ दिन लगातार ट्रीटमेंट देना पड़ता है. अगर आप क्रोनिक कंडीशंस की बात करते हैं, यानी कि अगर पैरालिटिक पेशेंट है तो उसको करीबन 1-3 महीने आना पड़ता है फॉर ट्रीटमेंट. तो कई बार पेशेंट सेल्फ नहीं आ सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, कई बार उसके घर पे कोई नहीं है छोड़ने वाला, लेने वाला. तो दीज आर द वेरी 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 कॉमन चैलेंजेस जो मुझे अपने करियर में भी फील हुए थे. सो दैट्स व्हाई फिजिक्योर में हमने स्टार्ट किया पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी. सो वी हैव आवर ओन व्हीकल जिससे हम पेशेंट को कहीं से भी पिक कर सकते हैं. ट्रीटमेंट के दौरान उसको हम एक अटेंडेंट कोई भी उसके साथ आ सकता है और फिर हम उसको ड्रॉप करवा सकते हैं. सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हुई कि घर में कोई है नहीं, हम कैसे आएँ, ऑल दो वी नीड ट्रीटमेंट. तो ये तो ऐसे बहुत सारे कई स्मॉल चैलेंजेस आते थे. एक और ऐसा ही एग्जाम्पल है कि कभी कभी ये होता था कि पेशेंट है जिसको बहुत एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, यानी कि उसको एक घंटे के ट्रीटमेंट से नहीं होता. और पहले जो भोपाल में एक रूटीन था वो ये था कि होम विजिट्स का, कि घर पे कोई आए और वन एन आवर का ट्रीटमेंट हुआ एंड दैट्स इट. बट हमको ऐसा लगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत एक्सटेंसिव होता है. तो वहाँ पे आपको 5-6 घंटे एक गाइडेंस में रहना और हमको बहुत एक टीम वर्क की तरह मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. तो उसको ओवरकम किया हमने अपना डे केयर क्लिनिक्स बनाकर, रेसिडेंशियल क्लिनिक्स बनाकर. यानी कि अभी वी हैव दिस फैसिलिटी कि पेशेंट अगर बाहर से भी है, भोपाल के बाहर से भी, आप मानिए से, होर से, विदिशा से या कहीं से भी है, तो वो आके हमारे साथ रुक सकता है एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट में. फूड फैसिलिटीज से लेकर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तक सब उसको हम प्रोवाइड कराते हैं अंडर वन रूफ. तो दीज आर सम बिगर चैलेंजेस, बट यस, स्मॉल चैलेंजेस तो हर दिन आते हैं. और जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पहले 1 आवर का ट्रीटमेंट रहता है, बट पेशेंट्स जो है वो कभी कभी पेशेंटली हैंडल ही नहीं करते इन सब प्रॉब्लम्स को. वो बोलते नहीं कि नहीं, हमें अभी बस 1 आवर का ट्रीटमेंट एंड हमको जाना है. जब भी कोई नया कंसेप्ट होता है ना, तो वही अपने आप में एक चैलेंज होता है टू मेक पीपल एक्सेप्ट इट. बट एक बार आप इन्फॉर्मेशन, हम हमेशा मानते हैं फिजिक्योर में कि एक्सेप्ट कराना लोगों के लिए, उनको पहले अवेयर करना पड़ेगा. तो अवेयरनेस, फिर एक्सेप्टेंस एंड देन कीप ऑन वर्किंग. ओके, सो आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी और आपको कहीं से मोटिवेशन कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो कैसे आपने स्टार्ट किया था? मैंने फिजियोथेरेपी वर्ड सुना 2001 में.
2006 में आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स एंड देन मैंने मास्टर्स किया अपना फिजियोथेरापी में, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी में, यानी कि तब एक काफ़ी रेयर ब्रांच थी. अभी भी बहुत लोग अवेयर नहीं है कि कार्डियोपल्मोनरी में भी फिजियोथेरापी होती है, पर होती है. बाईपास के बाद भी एक पेशेंट को उठाने चलाने से लेकर उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल तक लाने तक कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई स्टार्टेड विद दैट इन 2008. देन आई जॉइंड अ लॉट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि उस टाइम इट वाज द मेन सोर्स जहाँ पे लोग जाना चाहते थे. क्लिनिकल्स उतना अच्छे से डेवलप नहीं था. देन आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स, आई फेल्ट कि फिजियोथेरापी बेसिकली क्या है, एक क्लिनिकल फील्ड भी है. यानी कि आप बिना पेशेंट देखे उसमें आप इंजॉय नहीं कर सकते. द एसेंस ऑफ फिजियोथेरापी इज दैट यू हैव टू बी विद द पेशेंट्स. सो आई जॉइंट बंसल हॉस्पिटल. वहाँ 6 years आई वर्कड विद एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम द होल टीम, चाहे वो न्यूरोसर्जन्स हो, कार्डियोपल्मोनरी सर्जन्स हो, अलग अलग टाइप के पेशेंट, चाहे वो बर्न यूनिट के हों, चाहे वो ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट के हों, वो सब हमने देखे. बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज द सेम कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए टीम बनानी पड़ती है, हमको उसके लिए लाइक माइंडेड पीपल रखने पड़ते हैं. सो विद दैट थॉट अल्टीमेटली इन 2020 वी डेवलप्ड फिजिक्योर. और फिजिक्योर से हमने 4 क्लिनिक्स से स्टार्ट किया, भोपाल के 4 क्लिनिक्स, फिर उसको एक्सपैंड करा और सागर लेके गए. Okay. जो कि एक ऐसा टाउन था जहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरापी को लेके, सागर हम लेके गए. उसके बाद मंडीदीप, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर भी हमने स्टार्ट किया, क्योंकि मंडीदीप में भी जो वर्कर्स हैं दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस हैं उन पर हमको काम करना शुरू करना चाहिए. सो वी एक्सपैंडेड टू 6 क्लिनिक्स. अभी हम अब्दुल्लागंज जैसे पेरिफेरल एरिया को भी में भी जा चुके हैं और वी आर कमिंग अप विद 100 बेडेड रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, जो कि एमपी का पहला ही रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल होगा जिसमें पेशेंट सिर्फ फिजियोथेरापी और रिहैबिलिटेशन के लिए रुक सकता है और पूरा ट्रीटमेंट ले सकता है इंडिया के किसी भी पार्ट से. वेरी गुड. बीइंग अ मॉम, हाउ यू मैनेज योर वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ? सी दैट इज द वेरी वेरी टफेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक मदरहुड इटसेल्फ इज अ फुल टाइम जॉब. यस मैम. ऑल द मदर्स आर ऑलरेडी बोलते हैं दे आर वर्किंग टू देयर 100%. और अगर हम वर्किंग मॉम्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज डूइंग ओवर टाइम, क्योंकि हमें अपना दोनों ही काम, या फिर हम कहेंगे कि दोनों ही हमारे बच्चे ही हैं, किड्स ही हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों चाहे वो हमारा काम हो, एवरी थिंग हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस. सो मल्टी टास्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, है ना, ऑलवेज ट्राई टू बी गुड, बी जेन्युइन एंड गिव योर 100%. कुछ मदर्स, मतलब कई वुमेन आफ्टर मदरहुड डू नॉट वर्क बिकॉज दे फील कि दे आर निग्लेक्टिंग देयर किड्स, राइट? बट ऑल्सो एक्सेप्ट दैट बींग अ मदर डज नॉट चेंज यू, द एसेंस इज यू योर सेल्फ. बींग अ वुमेन लर्निंग, लाइक इफ आई टॉक ऑफ माई सेल्फ, मैंने 8 से 9 साल पढ़ाई की अबाउट फिजियोथेरापी, देन आई वर्क फॉर अगेन 10 more years, ओके, एंड देन अगर मैं उसको नहीं कर रही हूँ देन आई फील समथिंग इज मिसिंग इन मी. So it's not that you can't manage that. Of course, you have to put that extra bit. है ना, अगर हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अगर हमको सब कुछ मैनेज करना है, तो हमको इस चीज़ को समझ के पहले से रखना है. तो आई वुड एडवाइज ऑल दी यंग गर्ल्स एंड वुमेन हु आर टेकिंग अप मदरहुड नाउ दैट डोंट थिंक इट्स द एंड ऑफ योर प्रोफेशनल करियर. इट्स नॉट. बट जस्ट लर्न हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू हैंडल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि सब ज़रूरी है. ओके. और मैम, अभी वो एंटरप्रेन्योरशिप वीक चल रहा है और 21st of August को भी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे है, तो आप यंग लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम की नीड है, और फिजियोथेरापी में एंटरप्रेन्योरशिप पे तो मैं अलग से भी बहुत अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट बींग योर ओन बॉस एंड इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर आइडियाज़. वो जो फ्रीडम है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता. ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है. ये नहीं है कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के डायरेक्टली लैंड अप कर दें इनटू योर ड्रीम्स. एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो अबाउट ड्रीम्स. ओके, इस कई लोगों को देख के लगता है कि इट्स वेरी ईजी, बट ऑफकोर्स इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट डिफिकल्ट कि वो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है. बस ये समझना है कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड.
आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है ऑफ योर फील्ड, ऑफ योर वर्क, ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, कितना ओरिएंटेड है. और उसके बाद आफ्टर दैट एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस लाकर एंटर करना इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन बी रेडी. एवरीथिंग एवरी डे विल बी अ चैलेंजिंग डे. यू डोंट हैव अ प्रोटोकॉल ऑफ द डे, यू डोंट हैव अ 9-to-5 जॉब, यू डोंट हैव फिक्स्ड एजेंडा. डे बाई डे चैलेंजेस लाइक बींग अ मेडिकल प्रोफेशनल ऑल्सो आई लर्न अ होल लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मार्केटिंग कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुँचना है, टेक्निकल पार्ट आईटी से लेकर जो हम ऐप पे काम करते हैं वो कैसे करना है. सो एंटरप्रेन्योर लर्न्स एवरीथिंग और उसके लिए इफ यू आर रेडी यू आर इन द राइट प्लेस. ओके मैम, के लिए कोट मेरे दिमाग में आया है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली. एब्सोल्युटली आई बिलीव कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप दो दिन में कुछ करके तीसरे दिन गायब हो जाओगे तो यू विल बी नोवेयर, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. हां, काफी हार्ड वर्क लगता है बिल्कुल मुकाम पे पहुंचने के लिए. मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. और अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो जो आप कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंटली मेहनत ज़रूर करिए. जो भी आपका पैशन है उसे ज़रूर फॉलो करिए, चाहे वो वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको दोनों हैंडल करके चलना पड़ेगा. थैंक यू.